दोस्तों हमारे देश में जब भी किसी की शादी होती है, कोई फंक्शन होता है या फिर बर्थडे पार्टी होती है, तो एक दूसरे को कपड़े गिफ्ट करने का रिवाज होता है। और लोग ये भी चेक करते हैं कि जो कपड़े गिफ्ट किए गए हैं वो कौन सी कंपनी के हैं, सियाराम के, अरविंद के, विमल के या फिर रेमंड के। और दोस्तों आप खुद जानते होंगे रेमंड एक ऐसी कंपनी है जो अपनी क्वालिटी कपड़ों के लिए जानी जाती है और कस्टमर्स भी इन पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप ये जानते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी के मालिक विजयपत सिंघानिया को भाड़े के घर में रहना पड़ा। इसके अलावा दोस्तों 2021 में रेमंड कंपनी ने 247 करोड़ का लॉस बुक किया। और साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, विजयपत सिंघानिया ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम रखा था एन इनकम्प्लीट लाइफ। लेकिन दोस्तों रेमंड कंपनी की जो टैगलाइन थी वो थी द कंप्लीट मैन। तो ऐसा क्या हुआ कि उस कंपनी के मालिक को अपनी बुक का नाम रखना पड़ा एन इनकम्प्लीट लाइफ, जानेंगे आज के वीडियो में। तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेमंड की कहानी के बारे में। देखिए दोस्तों, रेमंड की शुरुआत होती है 1925 में एक छोटी सी दुकान से, और इसकी शुरुआत की थी लाला कैलाशपत सिंघानिया ने। और दोस्तों उसके बाद में इन्होंने 1944 में रेमंड वूलन मिल की शुरुआत की। उसके बाद में दोस्तों सन आ गया 1958, तब लाला कैलाशपत सिंघानिया की जो उम्र थी वो बहुत ज्यादा हो चुकी थी और उनके जो बच्चे थे वो भी बहुत छोटे थे, इसलिए रेमंड कंपनी की बागडोर आ गई उनके भतीजे के हाथ में जिनका नाम था गोपाल कृष्ण सिंघानिया। और इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की और रेमंड को और नई ऊंचाइयों पर लेके गए। उसके बाद में दोस्तों 1980 में गोपाल कृष्ण सिंघानिया की मृत्यु हो जाती है और बाद में रेमंड कंपनी की बागडोर आ जाती है विजयपत सिंघानिया के हाथ में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की और अपने बिजनेस स्ट्रेटजी से रेमंड को और भी ऊंचाइयों पर लेके गए। दोस्तों इन्होंने रेमंड को सिर्फ कपड़ों के बिजनेस तक नहीं रखा बल्कि ये हवाई चार्टर सर्विसेज तक भी लेके गए। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, वो विजयपत सिंघानिया ही थे जो रेमंड कंपनी के अंदर इंडिगो डेनिम और पॉलिएस्टर मिक्स को लेकर आए और उसके बाद में उन्होंने कपड़ों के मार्केट में क्रांति ला दी। दोस्तों जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा कंपनी भी बढ़ने लगी, उसके बाद में ऑटोमेटिक मशीन आने लगी। लेकिन दोस्तों ये क्वालिटी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, आप खुद जानते होंगे रेमंड के जो कपड़े होते थे वो हमेशा क्वालिटी वाले होते थे। तो मशीन से बनने के बाद भी ये क्वालिटी चेक किया करते थे और उसके बाद में अगर क्वालिटी चेक में कपड़ा पास हो जाता है फिर ही उसको मार्केट में भेजा करते थे बेचने के लिए। उसके बाद में दोस्तों विजयपत सिंघानिया ने 1986 के अंदर पार्क एवेन्यू की शुरुआत की और रेडीमेड गारमेंट के बिजनेस पे भी आ गए। इनके जो फैशन स्टेटमेंट और स्टाइलिश कपड़ों ने मार्केट में और भी धूम मचा दी और देखते ही देखते रेमंड और पार्क एवेन्यू दोनों वर्ल्ड फेमस ब्रांड बन गए। और उसके बाद में दोस्तों सन आ गया 1987 जब वर्ल्ड कप होने वाला था और उस वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर किया था रिलायंस ने। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो वर्ल्ड कप था ये लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास था क्योंकि इससे जो पिछला वर्ल्ड कप था 1983 का वो इंडिया जीती थी, तो लोगों को यही उम्मीद थी कि ये वाला जो वर्ल्ड कप है वो भी इंडिया जीतेगी, इसलिए टीवी के ऊपर बहुत ज्यादा व्यूवरशिप आने वाली थी। और दोस्तों इस चीज को धीरूभाई अंबानी बहुत ही अच्छे से समझते थे तो उन्होंने इसका इस्तेमाल किया अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए और उस ब्रांड का नाम था विमल टेक्सटाइल। दोस्तों जब भी मैच आया करता था लोग दूरदर्शन लगाकर बैठ जाते थे और मैच के बीच में जो भी एडवर्टाइजमेंट आते थे उसमें सिर्फ एक ही ऐड आता था विमल टेक्सटाइल का। और दोस्तों देखते ही देखते विमल घर घर में पहुंच चुका था और वर्ल्ड कप खत्म होते होते विमल एक बहुत ही प्रीमियम ब्रांड बन चुका था। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी वजह से क्या हुआ, रेमंड के जो सेल्स थे बहुत ज्यादा कम हो गए और विमल के सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए। हर कस्टमर को विमल ही चाहिए था और मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो दोस्तों धीरूभाई अंबानी की जो स्ट्रेटेजी थी ये बहुत ज्यादा काम आई, तो बाकी के ब्रांड ने भी सोचा कि हम भी एडवर्टाइजमेंट कराएंगे तो हमको भी ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा। और दोस्तों उसके बाद में 1990 में लिबरलाइजेशन आ गया, उसके बाद में बहुत सारे टीवी चैनल्स इंडिया में आ चुके थे। देखिए दोस्तों उससे पहले क्या होता था, खाली दूरदर्शन चलता था, लेकिन उसके बाद में इतने सारे टीवी चैनल्स आ गए कि सारे ब्रांड्स अपना अपना एडवर्टाइजमेंट करवाने लगे और इन्होंने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को हायर करना शुरू किया। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल के हिसाब से बताऊं तो बरेली साड़ी ने 3 मिस इंडिया को हायर किया था अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। इसके अलावा मयूर शूटिंग ने शाहरुख खान को हायर किया था अपना एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए। उसके बाद में दोस्तों रेमंड कंपनी ने भी अपने ब्रांड को अलग तरीके से पेश करने का डिसाइड किया और उन्होंने एक एड कैंपेन चलाया और उसके अंदर अपने ब्रांड की एक नई टैगलाइन रखी द कंप्लीट मैन। दोस्तों ये जो टैगलाइन थी लोगों की जुबान पे बैठ गई और रेमंड मार्केट में बना रहा। दोस्तों मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, उस टाइम टीवी चैनल्स नए नए थे और जब भी सेलिब्रिटी आते थे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए तो लोग उन पे भरोसा कर लेते थे और वो जो भी सामान का प्रचार करते थे उसको खरीदते भी थे। इसी वजह से जितने भी ये ब्रांड्स का नाम मैंने लिया ये सारे के सारे प्रीमियम ब्रांड बन गए और आज के टाइम में भी इनकी जो टैगलाइन है या इनका जो नाम है वो हमारे जहन में ताजा है। उसके बाद में दोस्तों 1999 में इन्होंने अपना एक और ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम था पार्स। ये सेमी फॉर्मल और कैजुअल में डील किया करते थे। उसके बाद में दोस्तों 2000 में विजयपत सिंघानिया ने अपने पूरा कंपनी का कारोबार अपने बेटे गौतम सिंघानिया के हाथों में दे दिया। उसके बाद में दोस्तों अगले 4 साल तक कंपनी बहुत अच्छे से चलती रही, लेकिन देखते ही देखते मार्केट में कंपटीशन मिलने लगा क्योंकि दोस्तों मार्केट के अंदर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए थे जैसे कि वेस्ट साइड, पेंटलून और भी बहुत सारे थे। और दोस्तों देखते ही देखते इंडिया की जो कपड़े की रिटेल इंडस्ट्री थी वो $2 बिलियन की हो गई। तो दोस्तों इस चीज को देखते हुए जो बाहर के लोग थे, जो बाहर के बड़े बड़े ब्रांड्स थे, वो लोग भी इंडिया के अंदर आने लगे जैसे कि जारा, वोरामोडा और भी अलग अलग ब्रांड्स।
दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये वो दौर था उस टाइम पे लोग कपड़े खरीद कर उसको सिलाकर नहीं पहनते थे, वो डायरेक्टली रेडीमेड कपड़े पहनना पसंद करते थे, वो जींस पहनना पसंद करते थे, टी शर्ट पहनना पसंद करते थे। तो दोस्तों इसी चीज को देखते हुए रेमंड ने भी 2006 के अंदर डेनिम बिजनेस के अंदर एंट्री की और कुछ टाइम तक वो सर्वाइव कर पाया। उसके बाद में दोस्तों देखते ही देखते रेमंड कंपनी के शेयर्स नीचे गिरने लगे और साथ ही साथ में उनके जो फैमिली इश्यूज थे वो भी ज्यादा बढ़ने लगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा 2015 के अंदर विजयपत सिंघानिया ने अपने सारे शेयर्स, अपनी सारी प्रॉपर्टी, ए टू जेड सारी चीजें गौतम सिंघानिया के नाम कर दी थी और उसके बाद में इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आने लग गई। अब दोस्तों प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्यों आई, क्या कारण था, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों विजयपत सिंघानिया का जो घर था जेके हाउस, वो 1960 में तैयार हुआ था और ये 14 माले की एक बिल्डिंग थी। इस 14 माले की बिल्डिंग में पूरी फैमिली रहा करती थी और इनमें से दो फ्लोर के ऊपर विजयपत सिंघानिया रहा करते थे। अब दोस्तों 2007 में ये डिसाइड हुआ था कि इस बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट किया जाएगा और उसके बाद में 36 माले की बिल्डिंग बनाई जाएगी और उस 36 माले की बिल्डिंग में 5 लोगों को डुप्लेक्स मिलेगा और बाकी के जितने फ्लैट्स होंगे उनको बेच दिया जाएगा। अब दोस्तों किन किन लोगों को डुप्लेक्स मिलेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक थे विजयपत सिंघानिया, दूसरे थे गौतम सिंघानिया और बाकी के तीन जो लोग थे वो थे विजयपत सिंघानिया के भाई, अजयपत सिंघानिया की वाइफ और साथ ही साथ में उनके दो बच्चे। तो इन पांचों लोगों को डुप्लेक्स मिलने वाला था और बाकी के जितने भी फ्लैट्स थे उन सबको बेचा जाना डिसाइड किया गया था। 2007 के अंदर एग्रीमेंट हुआ था कि इस बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट में जितना भी खर्चा आएगा वो सारा का सारा रेमंड कंपनी उठाएगी और उसके बाद में इन पांच लोगों को डुप्लेक्स मिलेगा और बाकी के जितने भी फ्लैट्स होंगे उनको 9,200 रुपए पर स्क्वायर फुट के हिसाब से बेच दिया जाएगा। अब दोस्तों 2007 में जो एग्रीमेंट हुआ था तो 3 साल के अंदर ये बिल्डिंग तैयार होने वाली थी, मतलब दोस्तों 2010 के अंदर ये बिल्डिंग तैयार हो जानी चाहिए थी, लेकिन बिल्डिंग को तैयार होते होते 10 साल का टाइम लग गया और 2007 से 2017 आ चुका था। और दोस्तों ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 2015 के अंदर विजयपत सिंघानिया ने अपने सारे शेयर, सारी प्रॉपर्टी गौतम सिंघानिया के नाम कर दी थी। अब दोस्तों विजयपत सिंघानिया का ये कहना है कि बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद में जब एनुअल जनरल मीटिंग हुई तो उसके अंदर सारे शेयर होल्डर को कहा गया वोट करने के लिए कि इस बिल्डिंग को एग्रीमेंट के हिसाब से बेच दिया जाए या फिर नहीं बेचा जाए। तो दोस्तों जो गौतम सिंघानिया थे उन्होंने वोट नहीं किया और साथ ही साथ में जो दूसरे शेयर होल्डर थे उनको भी कहा कि इस तरीके से वोट करो कि बिल्डिंग को नहीं बेचा जाए। अब दोस्तों अगर सारी चीजें एग्रीमेंट के हिसाब से नहीं होगी तो विजयपत सिंघानिया को डुप्लेक्स नहीं मिलेगा। और दोस्तों विजयपत सिंघानिया का यह भी कहना था कि गौतम सिंघानिया ने बहुत सारे फ्लैट्स के ऊपर कब्जा कर लिया था और वो एग्रीमेंट के हिसाब से नहीं चल रहे थे, इसलिए वो उनके खिलाफ खड़े हो गए। और दोस्तों ये मामला घर और ऑफिस तक नहीं रहा, उसके बाद में न्यूज में भी आ गया। एक बार विजयपत सिंघानिया ने न्यूज रिपोर्टर को इंटरव्यू देते हुए कहा कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने अपने सारे शेयर, सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर दी। तो उन्होंने सारे माँ बाप को कहा कि कोई भी ऐसा ना करे, उनके जैसी गलती किसी को भी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों विजयपत सिंघानिया ने एक बुक भी लॉन्च की थी जिसका टाइटल रखा था एन इनकम्प्लीट लाइफ और इस बुक के अंदर उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी। अब दोस्तों गौतम सिंघानिया का ऐसा कहना था कि इस बुक के अंदर ऐसा बहुत सारा कॉन्टेंट है जो उनको डिफेम कर सकता है, इसीलिए उन्होंने केस भी कर दिया। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, विजयपत सिंघानिया का सिर्फ एक ही लड़का नहीं है, इनके एक और लड़के हैं जिनका नाम है मधुपति सिंघानिया, वो अपनी वाइफ और 4 बच्चों के साथ में फॉरेन में सेटल है। अब दोस्तों वो इनसे अलग क्यों रहते हैं इसके पीछे भी उन्होंने बताया था कि उनको इंसल्ट किया जाता था, उनको बार बार अपने भाई गौतम सिंघानिया से कंपेयर किया जाता था जिसकी वजह से वो फैमिली से अलग हो गए। सो दोस्तों फैमिली में इतने सारे इश्यूज चल रहे थे जिसकी वजह से इनके शेयर प्राइस पे भी असर देखने को मिला और साथ ही साथ में इनकी सेल पे भी असर देखने को मिला। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि वो क्या कारण थे जिसकी वजह से 2021 के अंदर इनको 247 करोड़ का लॉस हुआ। देखिए दोस्तों इसके पीछे टोटल 4 कारण थे, उनके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहला कारण COVID-19। देखिए दोस्तों COVID-19 आने की वजह से लॉकडाउन हो चुका था जिसकी वजह से क्या हुआ, इनके सेल्स बहुत ज्यादा कम हो गए। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा पहले के मुकाबले 47% तक इनके सेल्स में कमी आई थी। दूसरा कॉम्पिटिटर्स, देखिए दोस्तों आज के टाइम में मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल है। रेमंड का जो कपड़ा है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है लेकिन जो प्राइस है वो थोड़े से कॉस्टलियर साइड में है। वहीं दोस्तों मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं जो अच्छी क्वालिटी का कपड़ा कम प्राइस में प्रोवाइड करते हैं, तो कस्टमर तो वहीं जाता है जहां पे अच्छी क्वालिटी का कपड़ा कम प्राइस में मिल जाए। तो दोस्तों ये भी एक कारण है जिसकी वजह से सेल कम हुए। तीसरा कारण ऑनलाइन शॉपिंग। देखिए दोस्तों आप खुद जानते होंगे आज के टाइम में मैक्सिमम लोग मॉल में जाना या दुकान में जाके कपड़े खरीदना पसंद नहीं करते, वो ऑनलाइन चीजें खरीदना पसंद करते हैं और साथ ही साथ में जो कपड़े होते हैं उनको भी ऑनलाइन ही खरीदना पसंद करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से इनके शेयर प्राइस कम हुआ और साथ ही साथ में इनकी सेल भी बहुत ज्यादा कम हो गई। चौथा कारण तो आप खुद भी जानते होंगे, वो है फैमिली प्रॉब्लम। देखिए दोस्तों जब से मार्केट के अंदर ये न्यूज आई कि विजयपत सिंघानिया को भाड़े के घर में रहना पड़ रहा है, गौतम सिंघानिया उनको फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ में उनका मैनेजर भी छीन लिया गया, तो इस तरह की खबर आने की वजह से इनके सेल पे बहुत ज्यादा असर देखने को मिला। उम्मीद है दोस्तों आपको रेमंड और सिंघानिया फैमिली से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके मन में कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ये वीडियो फेसबुक
पे देख रहे हैं तो दबा के शेयर कीजिए, सबको इस चीज के बारे में पता चलना चाहिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक नई कहानी के साथ।